अभय दुबे जी, लेकिन शुरुआत आपसे ही करते हुए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जो 85 मिनट तक लंबा चौड़ा भाषण दिया, सदन में कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों के हंगामे से क्या हासिल होगा? 85 मिनट तक प्रधानमंत्री एक तरफ बोलते रहे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हंगामा करता रहा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है क्या विपक्षी दलों का? अभय दुबे जी, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। राहुल गांधी जी के 50 मिनट के प्रामाणिक आरोप पर आज मोदी जी ने दो दिनों तक दी 200 मिनट की सफाई, मगर अडानी जी के पक्ष में वो कोई काम नहीं आई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 60 साल में हमें देश को गड्ढे दिए कांग्रेस पार्टी ने। प्रधानमंत्री जी, 60 साल में जो गड्ढे दिए हैं वो है गैस, रेल, तेल, भेल, सेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, मगर देश ये पूछ रहा है कि वो सब के सब आपने धन्ना सेठों को बेच क्यों दिए? आपने हर घर गैस और बिजली पहुंचाई, आज कहा आपने कि हर घर गैस और बिजली पहुंचाई, मगर राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, सवाल यह है कि अडानी टोटल गैस और ट्रांसमिशन इतनी बड़ी कंपनी किसने बनाई? आपने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, उसमें कहा डिफेंस, ड्रोन, माइनिंग, कोल, इनको उद्योगपतियों के लिए खोला। हम ये पूछ रहे हैं कि ये सारे के सारे उद्योग अडानी जी को देने का खेल किसने खेला? आपने कहा कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर हमने खेल रत्न और सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर टापू का नाम कर दिया। देश ये पूछ रहा है कि वो जो 38 शेल कंपनियां हैं उनके नाम पर ये गोरख धंधे का खेल किसने खेला? आपको ये बताना पड़ेगा। आज मुझे दुष्यंत कुमार जी का वो शेर याद आता है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग भाषण देते देते चिल्लाने लगे हैं, अब तो बदल दो इस तालाब का पानी, इस तालाब में कमल फिर से कुमलाने लगे हैं। आपने प्रधानमंत्री जी कहा कि जिसकी उनके पास कीचड़ था मेरे पास गुलाल, जिसके पास जो था उसने उछाल दिया। देश बैठे हुए हैं के आज के भाषण पर मैं सबकी टिप्पणी ले लेती हूं। आप ठीक है, अनुराग भदौरी जी, सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री की ओर से आज ये भी कहा गया कि अगर पहले कामकाज इस देश के भीतर हुआ होता तो आज कम से कम इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती और एक अकेला आदमी लगातार कामकाज में लगा हुआ है। इस पर पहले आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद में प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। देखिये, दुष्यंत जी को आजकल बहुत याद किया जा रहा है, तो उनका भी मुझे एक शेर याद आता है, सिर से सीने तक, पेट से पांव तक कभी एक जगह दर्द हो तो बताएं कि दर्द इधर होता है। कमाल है दर्द, दर्द ना इधर है ना उधर, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। दूसरा भी दुष्यंत जी का एक शेर सुना दें, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को कोई तो संभालो। भाई क्या बात हो रही है, असली बात पे चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं करना चाहता कि आपका किसान परेशान है कि नहीं है, किसान की इनकम दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई, क्या यहाँ युवाओं की परेशानियां दूर हो गई, उनको रोजगार मिल गया, क्या महंगा, क्या बेरोजगारी दर 8% के करीब नहीं हो गई, क्या किसानों को जो मिलना था एमएसपी का उनका रेट मिल गया, एक साल तक किसान बैठा रहा तो क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई? किसान की उपेक्षा देखिए, आप कहते हैं किसानों के लिए सरकार है, तो हम कहते हैं जब बजट पास कर रहे थे तो किसानों की किसान सम्मान निधि बढ़ा देते, वो भी नहीं बढ़ी। तो मैं कह रहा हूँ कि असली दुनिया की बात नहीं हो रही है। 30 साल में 15 साल कांग्रेसी गवर्नमेंट, 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट, ये 15 साल में 30 साल में 15 इनकी 15 इनकी एक दूसरे पे बॉल फेंक रहे हैं, एक दूसरे से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आपसे बताओ आम जनता की बात कौन करेगा? आम जनता ने तो 15 साल इनको भी देखा, 15 साल उनको भी देखा। कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया तो बीजेपी को लेके आई, अब बीजेपी भी वही कांग्रेस की राह पे चल रही है। मतलब किसी को जनता की भलाई नहीं करना चाहते, जनता की बात नहीं करना चाहते, जनता के बारे में सोच भी नहीं रहे, ना युवाओं की बात हो रही, ना जनता की बात हो रही, ना महिलाओं की बात हो रही, समाधान की बात हो रही, जनता वही खड़ी है। अरे उसी कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी को हराने के लिए आपने ताल ठोकी थी, वही कांग्रेस आज आंखों को इतनी ज्यादा क्यों चुभ रही है?